आप लोगों ने म्यांमार की प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहां जो भव्य स्वागत किया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आज प्रधानमंत्री फेडरेशन का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए यहां रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फेडरेशन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फेडरेशन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है उसे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खानपान भले ही अलग अलग हो लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है,